नमस्कार दोस्तों, आज अपने चैनल विजयानंद मास्टर मिक्स पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। विजयानंद, आज मैं आपको गिलगित बल्टिस्तान के बारे में पूरा इतिहास, विवाद की जड़, सारी चीज़ें बताऊँगा। एक हिस्ट्री सेशन मेरे साथ विजयानंद के। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरुआत में आपको पहले इस नक्शे के साथ करता हूँ। जहाँ पर आप ये पीला हिस्सा देख रहे हैं नक्शे में, वो गिलगित बल्टिस्तान का हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। जो भूरा हिस्सा है जो उसके पास में, वो आप देख रहे हैं, वो गिफ्ट कर दिया गया है चाइना के लिए पाकिस्तान के द्वारा, गिलगित बल्टिस्तान का। नीला हिस्सा अक्साई चीन है जो 1962 के युद्ध के बाद चीन ने भारत से ले लिया था। लाल हिस्सा आज़ाद कश्मीर है, जो भारत का कश्मीर है वो वाला है लाल हिस्सा, और हरा हिस्सा आज़ाद कश्मीर है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो लाल हिस्सा जो है वो कश्मीर का भारत के पास, और हरा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के पास। ये इस विवादित ज़मीन की पूरी पृष्ठभूमि है इस नक्शे में जो आपको दिखाई पड़ रही है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ के लोगों की एथनिसिटी कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो उनकी जो ट्राइब है जो गिलगित बल्टिस्तान की, वो सेंट्रल एशिया के लोगों के ज़्यादा नज़दीक है और भारत और पाकिस्तान के लोगों से मिलती जुलती कम है। इतिहास में यह है कि 1882 में डोगरा कमांडर वासिर लखपत ने इसके लिए जीता था, और उसके बाद सिखों और डोगराओं के लिए ये हिस्सा कब्जे में आ गया था। उसके बाद दूसरा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एंग्लो सिख वॉर हुआ 1846 का, और इसमें सिख लोग हार गए थे। और उसके बाद इसके लिए प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को, जो वहाँ का उस समय का प्रिंसली स्टेट था, उसके लिए इस रियासत को दे दिया गया था, लेकिन डोगरा लोगों ने इस पर अपना कमांड बरकरार रखा। बाद में 1935 में इसकी, चूँकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो इसकी सामरिक दृष्टि जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये चीन, रूस और अफगानिस्तान इसके हिस्से पर पूरे पर नज़र रख सकते थे यहाँ से आप, तो इस वजह से इसके लिए 60 वर्षों के लिए ब्रिटिशर्स ने महाराजा जम्मू कश्मीर से जो थे उनसे लीज़ पर लिया था। और उसके बाद इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो दिल्ली के पास रहा, और सिक्योरिटी थी वो भी दिल्ली की मिलिट्री फोर्सेस ने ही कंट्रोल करी, जिसका नाम गिलगित स्काउट्स था। आज़ादी जब आने लगी तो ब्रिटिशर्स को पता चला कि अब इसकी लीज़ को छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब उसके बाद ब्रिटिशर्स के इस पर काबू अपना नहीं रख सकते थे, कब्जा बरकरार नहीं रख सकते थे। और उसके बाद इन्होंने इसके लिए, महाराजा के लिए, जम्मू कश्मीर के जो महाराज थे हरी सिंह, उनके लिए 1 अगस्त 1947 को इसको सौंप दिया। महाराजा ने यहाँ पर ब्रिगेडियर घानशेर सिंह को अपने गवर्नर के तौर पर अपॉइंट करा, और ब्रिटिशर्स ने 2 ऑफिसर गिलगित स्काउट्स के लोन पर दिए, मेजर डब्ल्यू ए ब्राउन और कैप्टन ए एस मैथियसन। सूबेदार मेजर जनरल बाबर खान ने इनकी सहयोग किया। उसके बाद पब्लिक में अनरेस्ट हो गया, पब्लिक में एक विद्रोह की भावना भड़की, और उस विद्रोह को दबाया गया, लेकिन वो सफल ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, पब्लिक में पूरा विद्रोह बना हुआ था। और उसके बाद जम्मू कश्मीर रियासत के पास, जैसा आपको पता है, ये चॉइस दी गई कि या तो भारत के साथ जाओ या पाकिस्तान के, और कुछ नाटकीय मोड़ जो कि बाद में मैं कभी आपको बताऊँगा। नाटकीय मोड़ों के बाद इतना आपको पता है कि 31 अक्टूबर 1947 को महाराज ने भारत के साथ मिलने की अपनी घोषणा कर दी थी। मेजर ब्राउन ने यहाँ पर जो नाटकीय क्रम हुआ वो ये हुआ कि मेजर ब्राउन ने ब्रिगेडियर घनसार सिंह को अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद अपने ऑफिसर जो ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट थे लेफ्टिनेंट कर्नल रोजर बेकन, उसको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी कि गिलगित बल्टिस्तान पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता है। 2 नवंबर को मेजर ब्राउन ने वहाँ पर पाकिस्तानी झंडा भी लहरा दिया, और ये गलत इन्फॉर्मेशन भी भेज दी। और उसके बाद 2 हफ्ते बाद सरदार मोहम्मद आलम को पाकिस्तान के पॉलिटिकल एजेंट के तौर पर वहाँ पर अपॉइंट कर दिया गया, और उसके बाद यहाँ पर आर्मी काफ़ी बड़ी संख्या में आ गई और उसने इस पूरे हिस्से को कंट्रोल में ले लिया। इसके बाद यहाँ से पाकिस्तानी सोल्जर्स, वहाँ के ट्राइब्स, उन्होंने भारत, स्कार्दू, ड्रास, कारगिल इत्यादि पर अपने अटैक करने जारी रखे। ये उनका लॉन्च पैड बन गया एक तरीके का, यहाँ से वो अपने खूब अटैक करते थे। और उसके बाद 16 नवंबर 1947 को ये डिफेक्टो तौर पर पाकिस्तान के कंट्रोल में चला गया। एक बार फिर आपको मैं नक्शा दिखा दूं। पीला हिस्सा गिलगित बल्टिस्तान का है जिसके बारे में हम इस समय बात कर रहे हैं, भूरा हिस्सा भी, उसके बाद हरा नीला हिस्सा अक्साई चीन, लाल हिस्सा भारत का कश्मीर, और हरा हिस्सा पाकिस्तान का कश्मीर। इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो आए, उन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट स्टेट रूल को बदला, और उसके बाद पाकिस्तान के सुन्नी भी यहाँ पर जमीन ले सकने लगे और वहाँ पर बसने लगे।
इससे काफ़ी वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो गई। और उसके बाद जब जियाउल्लाह आए तो उन्होंने शिया लोगों को दबाने के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा इन्होंने मुहिम चलाई, और उसके बाद शियाओं की संख्या में उसके बाद से काफ़ी कमी आई है। उन्होंने डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसके लिए बहुत सहारा दिया, और उसके बाद शिया सुन्नी, शिया नूरबख्शियों के जो झगड़े थे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए। सबसे बुरा हादसा हुआ मई 1988 में, जब ट्राइबल लश्कर्स ने यहाँ पर लोकल वुमेन को उठा लिया, उनके संग गलत काम किए और हजारों की संख्या में शियाओं को गिलगित में मारा। इसकी विश्वव्यापी तौर पर काफ़ी निंदा हुई थी। उसके बाद से थोड़ा परिवर्तन यह आया है कि 1999 से पाकिस्तान ने इसके एडमिनिस्ट्रेशन को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद थोड़ा सा बदला है, और इसका नाम बदल करके नॉर्थन एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा है इसके एडमिनिस्ट्रेशन का। ये इसका नाम वही है लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका नाम बदल करके ये रख दिया गया है, नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल। आज की हालत ये है कि आज़ाद कश्मीर के पास तो अपना संविधान है पर गिलगित बल्टिस्तान के पास अपना कोई भी संविधान नहीं है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान के बारे में आज़ाद कश्मीर की तरह ही एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है, और वहाँ की जो इलेक्टेड असेंबली और काउंसिल होती है उसको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हेड करता है और उनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। बुरी बात एक ये भी है कि पाकिस्तान के पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं जबकि पीपल के पास, वहाँ के जनता के पास अपने कोई भी अधिकार नहीं है। पाकिस्तान के लिए वहाँ की जनता पूरे पूरे टैक्स देती है और बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके अलावा एक एग्जीक्यूटिव फियट जो कि अधिकारियों की एक पूरी फौज है वो, और राजनीतिक सॉरी माफ़ कीजिएगा, अधिकारियों की फौज और पाकिस्तानी पश्तूनी जो मिलिट्री रूल्स है, जैसे आपको पता होगा कि पाकिस्तान में पंजाबी और पश्तूनी ये लोग काफ़ी प्रभावी हैं, और इनकी जो ब्यूरोक्रेट्स और मिलिट्री की जो रूल है वास्तविक तौर पर वो इस यहाँ पर शासन करती है। लोकल पीपल का बहुत कम या कहना चाहिए है ही नहीं पार्टिसिपेशन यहाँ पर है। भारत का स्थिति क्या है? भारत का कहना है कि गिलगित बल्टिस्तान भारत का एक हिस्सा है, और 1994 में सभी पार्टियों ने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें कहा गया था कि पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ इट्स एक्सेशन टू इट इन 1947, जिसका मतलब ये है कि यह हिस्सा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा है और वो भारत का हिस्सा है जो कि 1947 में भारत के पास आया था। तो गिलगित बल्टिस्तान को भारत अपना हिस्सा कहता है और ये विवादित हिस्सा चल रहा है, इसके बारे में सभी पार्टियों का एक ही मत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ कमेंट में कुछ लिखें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह के तमाम वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं, एक तरीके का समुंदर है, आप उनको देखें और इन्जॉय करें। थैंक यू वेरी मच।